आज बॉक्स ऑफिस के लिहाज से काफी बड़ा क्लैश हुई। एक तरफ इरफान खान की कारवां तो दूसरी तरफ फन्नी खान, जिसमें ऐश्वर्या राय, अनिल कपूर और राजकुमार राव अहम भूमिका निभा रहे हैं। देखना यह है कि वीकेंड तक इनमें से कौन सी फिल्म वर्ड ऑफ माउथ के बाद टिकेगी और कौन सी फिल्म बिकेगी। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। Funny Khan is a very nice movie, very emotional and very touching, very heartwarming. It's made by Atul Manjrekar, it's his debut movie, and Anil Kapoor, he's the male protagonist. बहुत अच्छा रोल निभाया उन्होंने, हमेशा की तरह उन्होंने साबित कर दिया कि बहुत ही वर्सेटाइल है वो। और ऐश्वर्या राय का बहुत अच्छा रोल है, यू नो शी इज़ वेरी फ्लैम्बॉयंट एंड बहुत ही स्टाइलिश रोल है, और बहुत अच्छा उन्होंने किरदार निभाया। और उनके साथ राजकुमार राव हैं जो बहुत ही अच्छा, उनका भी काफ़ी अच्छा किरदार है। म्यूज़िक की बात करें और डायरेक्शन की बात करें तो कितना पसंद? डायरेक्शन बहुत अच्छा है अतुल मांजरेकर का, बीइंग हिज फर्स्ट मूवी। और म्यूज़िक बाय अमित त्रिवेदी बहुत अच्छा है। एक गाना जवा है मोहब्बत जो तनिष्क बागची ने कंपोज किया है, वो भी बहुत अच्छा है। और गाने भी, यू नो जो लास्ट सॉन्ग था तेरे जैसा तू है मेरे जैसी मैं हूँ, वो गाना बहुत अच्छा है। और भी यू नो सॉन्ग्स है जो अमित त्रिवेदी ने कंपोज किए, बहुत अच्छे हैं। आई विल गिव 3.5। इट्स अ सुपर फिल्म, सुपर स्टोरी। जिसको ट्रैवल फिल्म पसंद है, एवरीवन शुड वॉच इट। एंड ऑल द इरफान फैंस, इरफान लवर्स, इवन दिलकर सलमान वाज सुपर्ब इन द फिल्म। इरफान की बात करें, जब उनकी लास्ट पिक्चर है। हाँ। तो आई गेस ये ब्लैकमेल से पहले शूट हुआ है, बट इट्स सुपर फिल्म, उन्होंने बहुत अच्छा किया है। और आई विश हिम द लक फॉर हिज हेल्थ, जल्दी ठीक हो जाए और हमको और ऐसे ही और एटलीस्ट 10 फिल्में देखने को मिले उनकी। 4.5 स्टार, सुपर। इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म, या फनी खान, इट्स अ रियली अ ब्यूटीफुल फिल्म। और एक्ट, डायरेक्शन सब बहुत अच्छा था। मुझे अनिल कपूर का सबसे ज़्यादा, मतलब बीइंग अ फादर जो भी किया हो, जिस तरह का उन्होंने एक्ट किया और इमोशंस, सो इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म। फेवरेट सॉन्ग ये जो हल्का हल्का सुरूर है, दैट्स 4 स्टार्स। इंटरेस्टिंग, फनी, बहुत अच्छी, डायलॉग्स तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पूरा मूवी स्टोरी एज अ जनरल बहुत अच्छा है, इजी, मतलब बोरिंग नहीं है, और ह्यूमर भी, और इरफान खान की एक्टिंग बहुत अच्छी है, बाकी कैरेक्टर भी अच्छे हैं। गाने तो एक या दो गाने ठीक है, 3.5 स्टार्स। अच्छी लगी, स्पेशली अनिल सर ने जो काम किया, लिटरली बहुत अच्छी लगी। और इसके सॉन्ग भी बहुत अच्छे हैं, जैसे कि मेरे अच्छे दिन कब आएंगे। मैं मतलब खुद को देखने आया था, मैंने भी एक छोटा सा कैरेक्टर किया इसमें। अच्छा, हाँ, तो मुझे बहुत अच्छी लगी मूवी। 4 तो दूंगा। कारवां ना, बहुत अच्छी मूवी। सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया? सबसे ज़्यादा मूवी में इरफान खान की एक्टिंग, और गाने की बात करें, डायरेक्शन की बात करें, बहुत सबसे बेस्ट था। और मेन जो इरफान खान का मतलब लाइक नेचुरल एक्टिंग थी ना, वही उनकी सबसे पसंद आती है, उनकी वजह से सिर्फ मूवी देखने गया था बस। इरफान खान की एक्टिंग के लिए 5 स्टार। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई हैव गॉट अ स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर ऐश्वर्या राय। व्हाई आर यू डूइंग दीज बी ग्रेड मूवीज? ट्रस्ट मी, आई एम रियली डिसअपॉइंटेड टू सी यू डूइंग दीज मूवी। 10 मिनट चैप्टर रोल, you are one of most beautiful actors in our country, I think in entire world. You have done tremendous work. Why are you doing these 10 minutes role? Is it, I'm disappointed, I'm sad to see you doing those things. Can you do something better? Aren't you getting offers? I'm sure you are getting. Do good movies, do A-grade movies. You mean to say he has only few shot in the movie? Yeah, just 5-10 minutes role. I'm really disappointed. But she looked breathtaking, gorgeous. That is something. Whenever she comes on screen, trust me, you will forget everything else. But I'm disappointed. Funny Khan has very nice concept about body shaming, and which is very true in our country. We always say, "I'm moti, chal hat." This is what we always say. But as per me, they have messed it up. So concept is nice, but they could not deliver it properly. Somewhere they forget the plot and mix up many other stories, and you lose that connect. Otherwise, Anil Kapoor has done really good job. That little girl, Dibya Datta, everybody else is fine. Rajkumar Rao is love. 3
थ्री कारवा कुछ खास पिक्चर नहीं है, स्टोरी हाँ डायरेक्शन भी कुछ खास नहीं। अरे इरफान खान ठीक है, इरफान खान की एक्टिंग अच्छी है, लेकिन वो बीमार दिख रहा है आपको। पूरा में क्या स्टोरी डायरेक्शन विजिट कुछ गाने वगैरह कुछ भी खास नहीं चलेगी। नहीं हाँ नहीं चलेगी। दो नाइस मूवी आफ्टर ताल मूवी, इट वाज वेरी लव टू सी अनिल कपूर एंड ऐश बोथ एंड द स्क्रिप्ट वाज वेरी गुड, डायरेक्शन वाज वेरी गुड। ये मूवी तो मेरे भाई ने इसका लोगो बनाया, इट हैज़ हैपन इन माय ब्रदर स्टूडियो जस्ट राइट स्टूडियो, सो इट वेरी द मूवी मोटिवेशन आल्सो वेरी गुड। पापा कितना कुछ करते हैं अपनी बेटी के करियर के टॉप बनाने के लिए, इट हैज़ शोन वेरी टची मोमेंट्स। मुझे सभी अच्छा लगा, अनिल कपूर जी का, ऐश्वर्या का, राव राजकुमार राव का, इवन दैट गर्ल आई डोंट नो हर नेम बट शी ऑल्सो हैज वर्क वेरी नाइस, 5 out of 5। उतनी पसंद नहीं आई। हाँ क्या सही नहीं लगा, मतलब फ्लैट जा रही थी मूवी, कुछ खास मूवी में नहीं था, जो था इरफान खान था, नहीं तो मूवी में कुछ नहीं था। इरफान खान का जो बोलने का तौर तरीका है उस पर हमने मूवी देखा, मतलब वो जब जोक्स मारता था या कुछ भी पंच, मतलब छोटे पंच को इस वे में बोलता है ना तो लगता है अच्छा कुछ है कुछ बोल रहा, अदरवाइज मूवी कुछ नहीं था। मैं तो बीच में सो गया था और इंटरवल के बाद मैं तो फैरी खान देखने जा रहा था, वो तो दोस्तों ने बोला नहीं एक में पैसे लगाओ भैया पूरा देख लो इसी को, इसलिए देख लिया, नहीं तो नथिंग इज देयर, नहीं कुछ 2.5 to 3। फनी खान तो बहुत बढ़िया फिल्म है और सबसे रिक्वेस्ट है कि आके देखो, आपको तो आपके सपने जो हम लोग सब सपने के पीछे भाग रहे हैं, ओके ऐसा कोई तो है हमारे पीछे जो हम लोग का सपने को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और उसमें से हमारी मम्मी डैडी की बड़ी हाथ होती है। तो मुझे एक्चुअली महसूस हो रहा है, मुझे महसूस हो रहा है कि हमारा मेरा जो डैडी की बहुत याद आ रही है और डैडी कैसे यू नो अपने खुद के सपने छोड़ के मेरे सपने के पीछे इतने रात दिन और इतना टीचर का जॉब करके कैसे बनाने की कोशिश की है, और फिर मुझे ये सब महसूस हो रहा है इधर थिएटर में बैठ के। और पीहू जी का जो एक्टिंग है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार जो हम लोग सब में जो टैलेंट है वो हम लोग के साइज़ के ऊपर, साइज़ और कलर के ऊपर नहीं है लेकिन टैलेंट के ऊपर होना चाहिए। और मैं भी ऐसा चाहता हूँ कि ऐसे जो है यू नो ऐसे सब, ऐश्वर्या जी ने भी बहुत बड़ी एक्टिंग की लेकिन पीहू जी की जो एक्टिंग है ना ऐसे देखने को मिलती नहीं है, बिकॉज ऐसे जो लोग हैं टैलेंट के हिसाब से ऊपर बढ़ते हैं। और थैंक यू सो मच एंड थैंक यू अतुल मंजरेकर जी, यस ऐश का, और वो राजकुमार के साथ इतना अच्छा केमिस्ट्री है, मुझे ऐसा मालूम ही नहीं पड़ता कि उसका अच्छे बच्ची है, क्या सुपर्ब केमिस्ट्री है दोनों की, यानी कि ऐसा लग रहा है कि ये टीनेजर्स है। एंड ऑल थैंक्स टू अतुल मंजरेकर जी ये स्टोरी को लाने के लिए हम लोग के लिए, थैंक यू सो मच, 25 स्टार्स, ये 10 + 25 = 35 स्टार्स। कोई गाना पसंद है? और मोनाली ठाकुर का जो गाना है वो जो तेरे मेरे जैसे, वो तो बहुत बढ़िया है। हम लोग गायक नहीं है, हम लोग राइटर लोग हैं, हम लोग गायक नहीं है, बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छी लगी। हाँ साथ में देखिए, बहुत अच्छी लगी हमने, स्टोरी बेस्ट है, एक्टिंग तो इरफान खान का तो बेस्ट है, मतलब हमेशा से जब से उनका मूवी देखा है, उनका एक्टिंग देखा बहुत अच्छा है, सब लोग पसंद करते हैं उनको, इरफान खान का फैन है। या कौन नहीं होगा उनका फैन इंडिया में एक्चुअली। सबसे अच्छा क्या लगा फीचर का मूवी में? एक्चुअली हर चीज़ अच्छी, छोटी छोटी चीज़ें दिखाई, छोटी छोटी चीज़ों को कनेक्ट किया है लाइफ से, बहुत अच्छा लगा। डायरेक्शन उनका, मैंने अभी सीरीज देखा ये मेरी फैमिली, वो भी बहुत अच्छा था, तो डायरेक्टर तो बहुत अच्छे हैं। 5 पहले ही 5 दिया है। हाँ जी सॉरी, फनी खान इज़ वेरी नाइस, इट्स अ वेरी नाइस फिल्म, अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई हैव सीन सच अ फिल्म, बहुत ही अच्छी फिल्म, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही एंटरटेनिंग है, सब कुछ है इसमें, एंटरटेनमेंट है, म्यूजिक है, यू नो थोड़ा बहुत मस्ती है, डांस है, कॉमेडी है, रोमांस भी है, और सब कुछ है यार, सब कुछ है फिल्म में, सब कुछ भरा हुआ है, सो ब्रिलियंट फिल्म। मैसेज क्या दे रही है? मैसेज
एक गलत मैसेज मत देना अगर जो फिल्म के क्लाइमैक्स से पहले होता है, जैसे ट्रेलर में हमने देखा किडनैप कर लेते हैं उनको, ठीक है, वो मैसेज लेने लग किस लिए किया गया था, किस लिए इमोशनली जब उसको एंड में लेके जाते हैं फिल्म का एंड से थोड़ा सा यू नो प्रेरणा लेना, क्लाइमैक्स क्या उससे सॉरी क्लाइमैक्स कह रहा हूँ इंटरवल से पहले पूछते भी है उनको कि अनिल कपूर उनको ऐश्वर्या राय को जब किडनैप कर लेते हैं कि यार आपने कभी कुछ से बड़ी सिंगर बनने के लिए कुछ ऐसा ऐसा किया था क्या, बॉम्बे में यू नो ये सब होता रहता है कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह किया था, तो बोलती कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले दो दिन में डूब जाते हैं, ठीक है ये जो मेहनती है जो आगे लेके जाएगी और तुम भी इस बात को धीरे धीरे समझोगे और फिर वो हमें क्लाइमैक्स में समझ में आता है, सो विच इज़ रियली बहुत अच्छे तरीके से फिल्म आया गया है। डायरेक्शन बहुत अच्छा है अतुल मांजरेकर सर, पहली फिल्म यू नो एड फिल्म मेकर है वो, बहुत पहली फिल्म बहुत ही अच्छी है उनके हिसाब से, और क्या उसे कहते हैं म्यूज़िक ओके है, बहुत बढ़िया नहीं है, एंड का जो सॉन्ग है बहुत ही अच्छा है, बहुत प्यारा है। 4 स्टार आउट ऑफ 5। फिल्म इज़ गुड, एक अच्छी हल्की फुल्की कॉमेडी है, रोड ट्रिप है, लोकेशंस अच्छी हैं, पूरे साउथ इंडिया का फील आता है आपको, प्लस इरफान खान है, उनके एक्टिंग, उनके डायलॉग्स, उनके पंचेज, सो या मूवी वॉज गुड। डायरेक्शन वॉज गुड, ऐसी कुछ वीक नहीं लगी कहीं पे भी, बिकॉज रोड ट्रिप है उनको लोकेशंस का ध्यान रखना पड़ता है, प्लस दो नए एक्टर्स भी हैं मूवी में, बट दे पुल्ड ऑफ वेरी वेल। इरफान वॉज ऑब्वियसली गुड, एक पूरी मूवी में वही एक फन एलिमेंट है, बिकॉज बाकी टाइम मूवी सीरियस चल रही होती है, बट इरफान खान ही थोड़ा उसमें ऐसे पंचेज लाते हैं, फनी एलिमेंट्स होते हैं जो आप हंसते हो, मज़ा आता है। पिक्चर में सबसे अच्छा तो मुझे इरफान खान ही अच्छे लगे, उनकी उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है, उनका अंदाज है, उस पर वही कैरेक्टर ही बड़ा फनी कैरेक्टर उन्होंने अदा किया, बाकी तो बहुत सीरियस चल रहा है, बोरिंग सा, बट ही इज़ द वन। डायरेक्शन अच्छा है, म्यूजिक अच्छा है, वो म्यूजिक पे तो ध्यान नहीं जाता बिकॉज वो बैकग्राउंड में चल रहा है। आउट ऑफ 5, 3 स्टार्स। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट। Start your career with us. अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।